कभी खालिस्तान नहीं बतावे, कभी हमें उग्रवादी बतावे, कभी कुछ बतावे, है तो किसान ही हम। वो देश के किसानों के लिए जान देने के लिए वहाँ डटा हुआ है, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, यार छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए। वो हमारा हीरो है जी, मेरे लिए, मैं रहा हूँ वहाँ सिंह, मेरे लिए बैठे अपना घर छोड़ गए। राकेश टिकैत नरेश टिकैत में अनबन रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता, दोनों भाई बड़े प्यार से रहते हैं, कोई अनबन नहीं। कोर्ट ने कहा था 14 दिन में पेमिट नहीं होने का तो उसका ब्याज दिया जाएगा। मैंने कोर्ट की मील वाले मान ही नहीं ना योगी को ना कोर्ट को। हमें ये भाजपा ही अच्छी नहीं लग रही, ये आन है बान है। और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पूरे देश के हिंदुस्तान के किसानों की शान है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं PRB। राकेश टिकैत के गांव सिसौली में हम पहुंच चुके हैं और अभी जो बाबा टिकैत जो उनके पिता हैं उनके फार्म हाउस पे मौजूद हैं और यहां कुछ लोग हैं जो कुछ खेल रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दे पे जो आंदोलन है उस पर भी बातचीत करेंगे और ये क्या कुछ खेल रहे हैं ये इस पर भी बात करेंगे। ये क्या, कौन सी खेल है ये तो पहली बार देख रहे हैं? चौंपड़ सा रहे भाई, चौंपड़ जो महाभारत के ज़माने में था जो खेले करते, जो सुकनी फांसे फेंक रहा वही है ये महाभारत के टाइम से खेला जा रहा है। हाँ, तब से बाबा टिकैत भी खेलते थे क्या? हाँ बहुत, अच्छा बहुत दबा के खेलते थे। अच्छा, हाँ तो बहुत पहले से चला आ रहा खेल। तो ये राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं सही कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। अच्छा, बिल्कुल साथ दे रहे हैं? पूरा साथ दे रहे हैं। अच्छा। साथ देने में क्या कमी है? गांव वाले साथ हैं? पूरे साथ हैं, गांव वाले पूरे एरिया के साथ हैं। ये राकेश टिकैत जो कुछ कर रहे हैं गांव वाले साथ हैं उसके? बिल्कुल, तन मन धन थे, तन मन धन। राजनीति कर रहे हैं लोग कह रहे हैं? नहीं राजनीति कुछ नहीं है इसमें, उनकी लिया तो जी मरने को तैयार है पूरा गाँव 36 कौम, कोई एक आदमी बता दो खिलाफ है वो तो दुनिया फो चलाओ जाएगी 36 बिरादरी। अच्छा, गांव वाले साथ है पूरा, मरने को तैयार है जी। अगर वे कहेंगे ना यहाँ के मर जाओ वहाँ मर जाएगा उनके लिए। फिर भीड़ थोड़ा कम हो गया? भीड़ कम नहीं होगी जी, लोगों का काम है भी, आ चल रहे कल को जा रहे 20 ट्रैक्टर। अच्छा, हम हमारे गांव के कल को लेके जाके रस का इब करवाने लगे हम स्त्री आज ही 20 ट्रैक्टर जाके कल को। बंगाल में जा लिया, बंगाल में राकेश टिकैत जानू कह रहा बंगाल में जाएगा क्योंकि उनके बाप का बंगाल, ये भागे फिर हैं बंगाल में, हम नहीं जा सकते बंगाल में, किसान नहीं रहते बंगाल जाइए, लेकिन किसान राजनीति करे बंगाल में अच्छा नहीं क्यों? ये राजनीति करे ये ढेर बढ़िया। अच्छा, बंगाल में हम नहीं जा सकते, हम भी जाएंगे किसान तो कहीं वो तो कह रहे हैं किसान बिल समझ नहीं रहा है, कानून समझ नहीं रहा है। हाँ समझ, आपके बकावे में आ गया? नहीं बकाए में क्या आए, वो वापसी कह रखे वापसी कर दो ना अपना आ जाएंगे घर उठ कर। क्या आपके कैसे बकाए में तो सब जाने रे, सब जाने कानून तो काले कानून है। ये राकेश टिकैत जो है ये गांव वाले पसंद करते हैं उनका स्वभाव को, इसको पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं भाई, अपना बंदा है तो अपने को कौन पसंद नहीं करता। अच्छा बताओ, ठीक काम कर रहा है तो और ज्यादा पसंद करते हैं। आर्टिक टाइप से रहते हैं वो तो, खानदानी पैसा है हमारा सबका ही। अच्छा, ऐसे ही रहना, शुद्ध भाषा बोलना। अच्छा, किसी को जो परेशान तो करते नहीं। ये राकेश टिकैत नरेश टिकैत में अनबन रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता, दोनों भाई बड़े प्यार से रहते हैं। अच्छा, कोई अनबन नहीं, दो क्या बल्कि दो भाई हो रहे हैं, मैं भी ऐसे रहते हैं सारे आपस में मिलजुल के पूरा। लेकिन एक कहा जा रहा है कि ये बहुत अमीर परिवार है जिसके पास 4 पेट्रोल पंप है, इतना फ्लैट है, गाड़ी है, बंगला है, किसान थोड़ी है ये लोग? ये तो सब अफवाह है, कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नॉर्मल किसान है जैसे आम किसान है ऐसे ये भी है, और कोई इतनी प्रॉपर्टी थोड़ा है भाई, अंबानी है या अडानी है, ये नॉर्मल किसान है, उद्योगपति है? उद्योगपति बिल्कुल नहीं, नहीं खेती करते हैं, खेती करते हैं किसान है, उद्योगपति कहाँ था आगे, उद्योगपति तो वो होगा जैसे अडानी है, अंबानी है और ये बहुत है, है? वे हैं। अमित शाह मीटिंग के वो कह रहे हैं कि जाके समझाएंगे कानून की अच्छाई को बताएंगे, तो समझिएगा आप लोग। हम पूरे समझे समझाए, हमें क्या समझाएंगे, जितने पढ़े लिखे में 8 फेल 8 पास, ऐसे डिग्री ले लिए बैठे चौपड़ खेल रही। राकेश टिकैत के हमने और भी सवाल लोगों से किया, वो बताए नहीं, एक कमजोरी तो बता दीजिए। कमजोरी क्या है? कोई कमी बता दीजिए। अरे कमी क्या है वहाँ बैठे, यही तो है और क्या है, दुनिया में कमी हो सके राकेश टिकैत में कमी नहीं, जो कोई कहे महाराज गलाओ से, मोदी भी कहे महाराज गलाओ कमी। मैं बताऊं वो देश के किसानों से प्यार करता है ये उसकी कमी है, ये कमी है राकेश टिकैत जी की। वो देश के किसानों के लिए जान देने के लिए वहाँ डटा हुआ है, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया,
यार छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, इसलिए वो वहाँ डटा हुआ है। ये कमी है राकेश टिकैत जी की, ये कमी है स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के परिवार की, कि वो किसानों के लिए जान देने के लिए, ये आन है बान है। और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पूरे देश के, हिंदुस्तान के किसानों की शान है। ये है राकेश टिकैत, ये है नरेश टिकैत। आप एक भी अच्छा ही बता दो इस कानून में, मुझे मैं बुरा ही बताऊं इस कानून की। आये तो खत्म होगी जी, पेमेंट हमारा नहीं मिल रहा, खत्म हो जाएगी। बीज जो गेहूं का भी 2000 बीका का भी जा, वो बीका का हमारा 1000 में दुगुनी कह रहे थे हम। आप लोग गाजीपुर क्यों नहीं जा रहे? तीसरे चौथे दिन नहीं जाते, परसों आए थे, कल फिर चलेंगे। अभी दूसरे आदमी जा रहे हैं, कल हमारा नंबर है, कल हम चल जाएंगे। अच्छा, ये सारे समाज के लोग हैं या सिर्फ जाट उनके साथ है? सब ऑल समाज पूरा है, पूरा है। हाँ, तो सारे समाज के लोग राकेश टिकैत के साथ है? सारे 36 के 36 नेता बना रहे हैं या फिर इनको नेता का ये अलग सुन लिया नेता बना नेता तो वो बड़ा बैठा हुआ दिल्ली नहीं बैठा हो डैडी लग रहा बड़ा कभी बंगाल कभी फलाना। अरे भाई ये कह रहे हैं कि बंगाल में भाजपा को हरा देंगे तब किसानों की जीत होगी, इसे तो बचना चाहिए ना किसानों को। नहीं क्या मतलब राजनीति से? राजनीति क्या मतलब है भाई? पंचायत तो कर रहे हम, तो अपनी पंचायत कर रहे किसान ने। पंचायत बंगाल में क्यों कर रहे फिर? यू एक आम आदमी का अधिकार है, कोई भी पंचायत कर सके। उनकी क्या है? किसानों तो करेंगे हम अपनी, किसानों की कर रहे हैं हम। तो अपने ये जो कुछ मानने मान लो, हम तो किसानों की कर रहे हैं पंचायत, किसान की करेंगे। अंदर से गड़बड़ लग रहा है कुछ? नहीं, अंदर तो क्या गड़बड़ आएगी, अंदर क्या गड़बड़ आएगी मारे। अमित शाह तो कह रहे हैं कि वहाँ युवाओं को रोजगार देंगे इतना लाख। अमित शाह ने तो आज लोग यहाँ भी रोजगार नहीं दिया, इधर रोजगार देंगे सारे फिर युवा यही फिर धरती पे। उस गांव में खड़े राकेश टिकैत के, जो पिछली बार जो चुनाव हुआ तो सारे लोग भाजपा को वोट दिए, इतना जल्दी इतना क्या होगा कि इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ हो गया? इसी गांव ने भाजपा को जिता था, यू ही भाजपा को धरती मत और टेंशन क्यों ले रही है? हाँ टेंशन क्यों ले रहे क्या? कुछ सम्मान से कुछ गड़बड़ हो गया क्या आपके? सम्मान तो क्या है, कभी खालिस्तान नहीं बताओ, कभी हमें उग्रवादी बताओ, कभी कुछ बताओ, है तो किसान ही हम। अरे 26 को क्या हुआ आप नहीं देखे? 26 को भी तो करवा उनका ही दाओ, मारा क्या था 26 को? अरे लाल किला पे क्या हुआ निंदनीय घटना? अरे लाल किले पे तो प्रशासन की गलती थी, वहाँ उन दोनों की गलती थी वहाँ। अच्छा, किसान नहीं, किसान क्या जाने दिल्ली के रास्ते को जहाँ उन्होंने भेजे वही चले गए। हिंदू किसान था क्या जी? आधा से 26 की घटना के बाद आधा से ज्यादा आदमी राकेश टिकैत को विलन बता रहे हैं। कौन बता रहा विलन? विलन कौन बता रहा? विलन तो वही बता रहे, वो तो हीरो है जी, भाजपा वाले ही। हम नहीं विलन बता रहे, विलन हीरो क्या है? हीरो है वो, तुम्हारा हीरो जी। अच्छा, उसके लिए तो ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो पड़ोसी वाले लोग खिलाफ ही रहते हैं, तो आपको तो कहना चाहिए विलन है। नहीं कहने के, विलन क्यों कहते हैं? अच्छा जी, हम अमरीश पुरी कहते हैं, हम तो हीरो कहेंगे उसे। वो हमारा हीरो है जी, हमारे लिए, मैं रहा हूँ वहाँ सिंह, हमारे लिए बैठे अपना घर छोड़ गए। असर बताओ किसके लिए बैठा वहाँ पे वो? हमारे लिए तो बैठा, वो तो अपने घर आएगा, उन लौटा अपने जाग तो छोटू बेटा जी 85 दिन जाकत नहीं है उनके, अपने घर मिट्टी खाओगा वो। क्या आगे लड़ाई कैसे लड़िएगा, क्योंकि कोई साथ तो है नहीं, बस किसान अकेला पड़ गया कहीं ना कहीं। मीडिया भी साथ नहीं, मिनिस्ट्री मीडिया भी साथ, मीडिया बिल्कुल साथ नहीं है। अच्छा, लेकिन किसान है अपने बलबूते पर लड़ते रहेंगे, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी पार्टी की ना किसी की। किसान है अपने जो है अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। बंगाल चुनाव को कैसे देख रहे हैं गांव वाले? बंगाल चुनाव के भाई राज राजनीति के में जाने, हमें राजनीति का मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं, योगी जी का विकास अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है किसान के लिए तो। हमें ये भाजपा ही अच्छी नहीं लग रही। योगी ने नुका था 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, होया 14 दिन में पेमेंट? बताओ आप ही, कोर्ट ने कहा था 14 दिन में पेमेंट नहीं होने का तो उसका ब्याज दिया जाएगा। मैंने कोर्ट की मील वाले मान ही नहीं ना योगी को ना कोर्ट को। एक साल हो गया, बताओ आप ही भूखे में रहे, जागतू की फीस हम नहीं दे रहे, रोटी हमें नहीं मिलती टाइम पे, ये बताओ क्या करें हम? हरिंदर ताऊ गांव वाले साथ हैं राकेश टिकैत? अरे पूरा हिंदुस्तान साथ है उनके। अच्छा। तुम गांव की बात कर रहे हो? अरे गांव में 10,000 आदमी होंगे, 8,000 आदमी होंगे। आप देखते हो जिधर को उंगली उठ जाती है सैलाब आ जाता है किसानों का। अच्छा आप नजर आ गए यहाँ पे, क्या मामला है? अरे आया था आज दर्शन करने किसानों की राजधानी के। अच्छा हाँ, अच्छा तो आज दर्शन किए हैं, खड़ा हूँ। अच्छा, उस तपोभूमि पे खड़ा हूँ जहाँ स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत रहते थे। लगता है सरकार झुकेगी? लगता है किसान डरेगा, पीछे हटेगा? सरकार भी झुकेगी, कानून भी वापस होंगे, गारंटी का कानून भी बनेगा MSP पे, और स्वामीनाथन रिपोर्ट भी आएगी।
लागू होगी, सब होगा। तो ये यहाँ तमाम जो गांव वाले हैं, जो पड़ोसी हैं उनके, उनसे बात की, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, तमाम उनके परिवार के बारे में जाना कि क्या सोचते हैं लोग, और हरेंद्र ताव भी थे, उनसे भी बातचीत किए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।